गाइस, मेरा नाम है संजय सैगल, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक फिजिक एथलीट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 12 फूड आइटम्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आजकल देश भर दुनिया भर में जो महामारी फैली है, जो कोरोना वायरस फैला है, उससे लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, अगर हम हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो WBC है, RBC है, उसे हम स्ट्रांग रखेंगे तो हम हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख पाएंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हमें ऐसे फूड्स को कंज्यूम करना जरूरी है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 12 फूड्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो पहला फूड आइटम है सिट्रस फूड्स। अब सिट्रस फूड है, ये विटामिन सी में भरपूर होते हैं जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाते हैं। अब सिट्रस फूड्स में आते हैं जैसे ऑरेंजेस आते हैं, लेमन आते हैं, ग्रेप फ्रूट आता है, और जो डेली रिकमेंडेशन होती है विटामिन सी की वो होती है 75 मिलीग्राम वुमेन्स के लिए और 90 मिलीग्राम होती है मैन के लिए। और दूसरा फूड है वो ब्रोकली। अब ब्रोकली बहुत सारे विटामिन के साथ में फुलफिल होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन की मात्रा एक साथ पाई जाती है जैसे ACE, और इसमें बहुत सारे हेल्दी फाइबर्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी मील्स को लेते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, तो आपको ब्रोकली कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और तीसरा फूड है गार्लिक। अब गार्लिक जो होता है वाइडली कंज्यूम होता है हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में मसालों में यूज़ होता है गार्लिक, और बहुत सारी सब्जियों में ऐसे यूज़ किया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो प्लीज़, अब गार्लिक बहुत रिच सोर्स होता है जिंक का, जिससे डेली रिकमेंडेशन जिंक की होती 11 मिलीग्राम होती है मेंस के लिए और 9 मिलीग्राम होती है वुमेंस के लिए। तो गार्लिक को आपको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब जिंजर हमारा फोर्थ सोर्स होता है, जिसमें आपकी इन्फ्लामेशन को ये डिक्रीज करता है, और जो आपको सोर थ्रोट है, गले में खराश है, उसे भी जिंजर ठीक करता है, और आपकी इन्फ्लामेटरी इलनेस को भी ये क्योर करता है। तो जिंजर आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद करेंगे हम स्पिनिच की। स्पिनिच आपकी विटामिन्स में बहुत रिच होता है, इसमें विटामिन ई है, ए है, और ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, ये भी आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। योगर्ट हमारा सिक्स सोर्स है, ये भी बहुत बढ़िया सोर्स है विटामिन डी का, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये आपके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का होता है उसे बढ़ाता है। और हमारे जो सेवंथ सोर्स है फूड का, वो है आलमंड्स और अदर नट्स। अब इसमें क्या है, ये जो नट्स और आलमंड्स है ये फुल ऑफ विटामिन ई होते हैं और इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर और डेली एडल्ट्स की जो नीड होती है वो 15 मिलीग्राम होती है विटामिन ई की, तो आपको डेली जो सर्विंग्स अपनी रखनी है वो नट्स की, वो रखनी है हाफ सर्विंग आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। और जो आपकी डेली जो विटामिन ई की मात्रा जो आपको डेली की रहती है, नीड रहती है, उसे कवर करता है। बात करेंगे 8 फूड सोर्स की, जो है सनफ्लावर सीड्स। अब सनफ्लावर सीड्स हैं हाई इन फॉस्फरस होता है, मैग्नीशियम इसमें बहुत अच्छा होता है, विटामिन B6, विटामिन ए, और ये सिलेनियम की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। ये भी आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़िया रखता है और मेंटेन रखता है, और सारे इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग को भी ये अच्छा रखता है। अब 9 सोर्स है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक बहुत वाइडली कंज्यूम होता है हमारे घरों में हल्दी के फॉर्म में, ये बहुत बढ़िया सोर्स होता है, इसे आप अपने रोज जैसे दूध में डाल के ले सकते हैं मॉर्निंग में या नाइट में, ये भी आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। ग्रीन टी हमारा 10 सोर्स हो गया है। अब ग्रीन टी में क्या होता है कि L-theanine करके एक अमाइनो एसिड होता है जो आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है और रेगुलेट करता है आपके इम्यून सिस्टम के फंक्शन को, और जिसमें जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने के इसके अंदर बहुत सारी फंक्शन होते हैं, और इसमें फ्लेनोइड्स करके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अब 11 सोर्स है हमारा पपाया। पपाया में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन को हेल्प करते हैं, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट होता है अच्छी मात्रा में, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है और आपके पेट को भी साफ करता है। और जो हमारा लास्ट हो गया 12वां सोर्स है पोल्ट्री। अब जो जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं वो इसमें कवर अप हो जाते हैं, जिसमें चिकन आ गया है, इसमें टर्की आ गया है, इसमें मीट आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें विटामिन सिक्स होता है, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स को रेगुलेट करता है, बढ़ाता है और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो ये थे ऐसे 12 फूड सोर्सेज और 12 फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।